नारायण, निरहुआ जैसे दिग्गज और बड़े कलाकार और सिंगर के मुंह से जिस फिल्म की तारीफ हुई थी वो थी अविनाश दुबे और नव अभिनेत्री ऋचा दीक्षित की फिल्म नचनिया। जी हाँ, इस फिल्म का फर्स्ट लुक आउट हो गया है। इस फिल्म की शूटिंग काफी समय से चल रही थी जो बंतिम चरम के पायदान पर है। इस फिल्म के डायरेक्टर है समीर रमेश सर्वे, प्रोड्यूसर है विशाल जयप्रकाश दुबे और लेखक है अश्विनी कुमार पांडे। इस फिल्म के गानों को अपनी आवाज दी है गौरी शंकर और अरविंद पांडे ने, जिसे संगीत से सजाया है मनोज सिंह ने। जी हां, जे ओम प्रोडक्शन से बनी फिल्म नचनिया के फर्स्ट लुक के बाद लोगों को इस फिल्म को देखने की भी उत्सुकता बढ़ी है, क्योंकि ये फिल्म देहात में नाच के गुजारा चलाने वालों की जिंदगी पर बनी सच्ची कहानी है जो की अब लुप्त होने लगी है। नाम भी बड़ा सरल सा है। अब इंतजार है इस फिल्म के ट्रेलर का, तो देखना ये दिलचस्प होगा कि लोगों को इस फिल्म का ट्रेलर कितना पसंद आता है और फिल्म के प्रति लोगों की क्या प्रतिक्रिया मिलती है। जानकारी दे दें कि दोनों के लीड रोल के किरदार में पहली बार भोजपुरी फिल्मों में हाथ आजमाने का मौका मिल रहा है। ऋचा दीक्षित को निरहुआ की फिल्म घूंघट में घोटाला फिल्म में भी देखा जाएगा। तो कैसा रहता है ऋचा की इन दो फिल्मों का सफर, ये आने वाले समय में तो पता चल ही जाएगा। नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया की रिपोर्ट।